हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। बांदा में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार होती नजर आ रही हैं। यहां का प्रशासन भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त नजर आ रहा है। गिरवा थाना अंतर्गत खुरन स्टेशन के पास एसआर पेट्रोल पंप में उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोल की जगह पानी निकलने लगा। कई लोग पेट्रोल डलाकर जैसे ही कुछ दूर गए तो गाड़ियां बंद हो गईं। जब मिस्त्री को दिखाया तो पता चला कि पेट्रोल की जगह पानी भरा हुआ है। ठगी के शिकार हुए लोगों का पेट्रोल पंप में जमावड़ा लग गया और पेट्रोल पंप मालिकों से लोगों की नोकझोंक भी हो गई। पर बांदा के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि मामला बिगड़ता देख पेट्रोल पंप मालिक ने लोगों के पैसे वापस कर अपनी जान बचा ली। इस मामले में यह साफ हो गया कि भाजपा सरकार में जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा है। पानी नहीं है और बताओ आप अभी चेक कराइए आपके आप तुम्हारे आपके बांधा या कहीं जहाँ तक पहुँच हो यहाँ तक चेक करा सकते हो चेक कराओ बता दो पानी जगह है ये। हाँ सर। अच्छा कहाँ हुआ है ये? इसमें पूरा पानी निकल रहा है। मैंने अभी 200 का भराया। हाँ। भराने के बाद आगे सड़क तक गया बंद हो गई गाड़ी। पहला पेट्रोल पंप यहाँ कई लोगों की ये शिकायत थी। लोगों ने तेल डलाया तो उनकी जो है पानी था कम से कम 75% पानी। 75% का फ्रेंड के पास में। अच्छा क्या है कितना क्या कर ये पेट्रोल है गाड़ी में डलवाए 400 का पेट्रोल। हाँ, हाँ। 10% पेट्रोल होगा 90% पानी। कहते हैं जहाँ दवा ना काम करे वहाँ दवा में दुआ मिला दीजिए। बीमारी इंसान से दूर भागने लगती है। ठीक उसी तर्ज में शरद पूर्णिमा के मौके पर चित्रकूट में भी अनेकों लाइलाज बीमारियों पर दुआओं और आस्था ने कब्जा कर रखा है। दमा श्वास जैसी तमाम लाइलाज बीमारियों पर चित्रकूट में आज के दिन खीर पकाकर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा जाता है और संत महात्माओं द्वारा औषधि खीर में मिलाकर मरीजों को दी जाती है जिसको सुबह की किरणों से पहले सेवन करने से ऐसी तमाम लाइलाज बीमारियों से निजात मिलती है। आस्था के चलते यहाँ हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु मरीज आते हैं और यहाँ की प्रक्रिया के अनुसार दवा का सेवन कर स्वस्थ होते हैं। शरद पूर्णिमा को धर्म नगरी चित्रकूट में श्वास दमा के मरीजों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से आए मरीजों ने धर्म नगरी में मठ मंदिरों में अपना डेरा जमाया। रविवार शाम को खीर बनाकर उसमें औषधि डालकर पूरी रात खीर को चंद्रमा की चांदी में रख दिया गया। यह खीर सोमवार की सुबह मरीजों को खिलाई गई। इसका सेवन करने वाले मरीजों का कहना है कि पूर्व में इस खीर से तमाम लोग ठीक हुए हैं। धर्म नगरी के परिक्रमा मार्ग पर इस मठ के बाहर लगने वाले श्रद्धालुओं के रेले को संतों द्वारा निशुल्क दवा का वितरण किया जाता है। ठीक है मैं बहुत का आदमी हूँ। ठीक है मैं यूपी कानपुर से आया हूँ और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी खीर में दवा मिलाई जाती है उससे किसी भी रोग का यहाँ निदान होता है उसका। श्वास की बीमारी नहीं होती है और ये दवा 12 बजे डलती है खीर में। हम यहाँ आते हैं ध्यान दे अभी तक है। आज के दिन यहाँ 7 लोग इकट्ठा होते हैं एक शरद पूर्णिमा का जो मून लाइट चंद्रमा की लाइट में अमृत की वर्षा होती है। दूसरा को जागरी पूर्णिमा रात भर जागरण करने का महत्व। तीसरा कामदगी परिक्रमा जो त्रिविध भया वह दिन राती शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा जिस रोगी के शरीर में लगती है वो रोग मुक्त हो जाता है। चौथा श्री हनुमान जी की कृपा। पांचवा श्री गोपाल जी की। छठवा दवा और सातवां हम लोग की दुआ। इस 7 योग मिल करके इस दवा इस बीमारी को श्वास रोग से मुक्त करते हैं। महोबा का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अपनी कारगुजारियों के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है जहां विद्यालय की एक शिक्षिका ने वार्डन चपरासी और एक शिक्षक पर साजिश के तहत बच्चों के अभिभावकों को शह देकर पिटवाने का आरोप लगाया जिसकी वजह से पीड़िता का 2.5 महीने का गर्भ गिर गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है जहां स्थायी शिक्षिका के पद पर तैनात रेखा अनुरागी ने शहर कोतवाली पहुंचकर विद्यालय की वार्डन शालिनी पटवा चपरासी इब्राहिम पार्ट टाइम शिक्षक प्रताप नारायण व उनकी पत्नी पूनम पर साजिश के तहत उन्हें अभिभावकों से विद्यालय में ही पिटवाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से वार्डन की मनमानी व अवस्थाओं की शिकायत की थी जिसके बाद से वार्डन पार्ट टाइम शिक्षक व चपरासी ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। शनिवार सवेरे जब वह क्लास में पढ़ा रही थी
तो वार्डन ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और उनके आते ही वहां पहले से ही मौजूद बच्चों के अभिभावकों ने उन पर हमला कर दिया और बुरी तरह मारा पीटा, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका करीब 2.5 महीने का गर्भ गिर गया। हमारी यहाँ जो बॉर्डर मैडम शालिनी पढ़वाए उनने और पार्ट टाइम टीचर प्रताप नारायण पूनम और इब्राहिम चपरासी, इन्होंने मिलजुल करके गार्जियंस को बुलवाया, जिन जिनकी घरेलू संबंध है चपरासी की, और बुलवाया। इसके पहले 2-3 घंटे मुझसे कहा है कि वो उनकी मम्मी आएंगी, उनको सबक सिखा करके चली जाएंगी, और इसके बाद 2 घंटे का भी टाइम नहीं हुआ, हम लोग अपना काम करवा रहे थे, बाल सभा का काम करवा रहे थे हॉल में, मैडम आधा स्टाफ बिल्कुल नहीं था हॉल में, हम लोग अपना काम करवा रहे थे, सब लोग साजिश रहे थे ऑफिस में, और बुलवाया मुझे ऑफिस में, कहने लगे आइए रेखा मैडम आपको बुला रही है, थोड़ा काम है, हमने कहा ठीक है मैडम हम आ रही है, फिर हम नहीं पहुंचे तो फिर बच्चों से बुलवाया, तो हम पहुंच गए, हम गेट के अंदर ही नहीं पहुंच पाए, वहां कैमरा नहीं था जहां उनके गार्जियन को बिठाया, हमारा साड़ी का पल्लू पकड़ के एकदम से मारना शुरू कर दिया।